came back with the proof. We did. But I'm going to share this. I won't give you this picture because it is said no. There you can see I have given him the money. ठीक है? How much money? हाँ? The total amount I paid him 23,500 up and down. Which he's saying ना मुझे मिला नहीं, छोड़ने के बाद दिया नहीं. इसका वीडियो दिया एडवोकेट को, my lawyers. They have it. ठीक है? Second, this too I'm not giving. You guys want? You guys can keep all this. ये This is the proof which will show that after reaching Goa as our deal was. Sir, आप भी सुनो सर, जो deal था आने जाने का था उसके अंदर उनका रहना खाना पीना हर accommodation included था. ठीक है? पर इसके लिए उसका गाड़ी उधर use नहीं किया तो हमने खुद ने taxi hire किया था 4 दिन के लिए. ये उसका bill है. हाँ? This is the chat I was having on the way. सर डेट देख लो क्या लिखा है. 21 सितंबर मैंने क्या लिखा है. जावेद वी नीड टू टेक हिज कार नंबर प्लेट एंड दिस. व्हाई? बिकॉज आई वाज स्केर्ड. जेन्युइनली स्केर्ड फॉर माय लाइफ. आई वाज वॉक कमिंग विथ माय पेट मॉली एंड जावेद. आई वाज स्केर्ड एंड लिसन व्हाट आई रोट. जावेद यू नो एनी वन हु कैन कम एंड सी यू इन द मॉर्निंग. मीन आई एम ऑल्सो गेटिंग पीपल रेडी. I think he's collecting people to come to my place because he's sharing live locations. गलत है ना? क्या कर रहा है ये मेरे साथ? और उसने गाड़ी इतना rash driving किया आप लोग को अंदाजा नहीं है. ठीक है? ये तो मैं देखे जाऊंगी आप लोग को. ये वही बिल जो मैंने यूज किया है, जो दो दे रही हूँ, 4 दिन का यूज किया, 4 दिन का है. ये समीर माई फ्रेंड. सर पहला लाइन पढ़ो ना क्या लिखा है उसी रात का. हाँ सर बोलो ना. सर सर बोलू. माय फर्स्ट वर्ड वाज व्हाट? सैम आई नीड अर्जेंट हेल्प. इसका क्या मतलब है? दैट मींस आई वाज बीइंग फ्रॉडेंट. ही वाज चीटिंग मी. ही वाज केयरिंग मी. ही डिड फ्रॉड. क्या है? ही इज आस्किंग व्हाट हैपेंड. सैम दिस ड्राइवर हुम आई हायर्ड फ्रॉम हैदराबाद इज एक्टिंग वियर्ड. द सेम डे व्हेन आई लेफ्ट गोवा. ही इज टॉकिंग अबाउट 10 डेज ना. आई डिड नॉट. वी बुक्ड इट फ्रॉम 16 to 20th. मेरी मम्मी ने बोला बेटा एक दिन रुक जाना, मंडे चले जा. फॉर दैट वन डे ऑल्सो आई पेड हिम 1000 रुपीज. सर लिखा है पूरा देखो. एज ही हैज डन अ मिस्टेक इन प्रोफेशनलिज्म. ये देख के जाऊंगी आप लोग को. चलाना मेरे लिए. उसका चलाए ना, मेरा भी चलाना. ये अरे टोल गेट का कैसा रहेगा भाई? पैसा वो ले रहा है विंडो में से, वो लेगा ना आगे एग्जिट में, उसको ही देना है. तो मैं क्या उससे बोलूँगी ला टोल गेट का दे टिकट दे 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 मेरे को प्रूफ देना है. मुझे थोड़ी मालूम मेरे पैसे का टोल गेट का. ही इज सेइंग दैट ही हैज पेड इट. वो मेरे पैसे का है. ये रहा उसका आइडेंटिटी शेयर किया मैंने मेरे दोस्त के साथ. ये रहा ये उसका क्या बोला था. उसका नाम क्या है? राजू. ये क्या है उबर में? क्या है उबर में? ये देख लो. मैं ये इधर रख रही हूँ. सॉरी आप लोग ले सकते हो. ये क्या है उबर में? क्या है नाम इसका? ये जो 5th को मेरे मॉम डैड को ड्रॉप किया था और जो मेरे मुझे देखकर मैम आप तो फैन हो मैम मेरे पैर पे जो गिरा था. दिस इज द डे व्हेन आई बुक्ड हिज ऊबर फॉर माय पेरेंट्स बिकॉज दे वर गोइंग बैक टू गोवा एंड माय ओल्डर सिस्टर. सो दिस इज हाउ आई नो राजू. दिस इज हाउ आई नो हिम. आई थॉट इट इज ओके बिकॉज इन आर इंडस्ट्री व्हेन वी हैव टू गो फॉर अ मीटिंग वी गिव अ टैक्सी गाई 2000-2500 फॉर अ डे. सो आई थॉट इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू एनीबडी आई शुड हायर हिम इफ आई हैव एनी लोकल वर्क. This is how I know him. ठीक है? ये दुर्गा आपका क्या प्रूफ है मेरे को तो जानना है. मैंने तो ये भी पैसे देने वाला भी बता दिया. ये नॉर्मली है ना होता है प्राइस अप एंड डाउन का. बट आई पेड हिम 23,500 इन कैश एंड आई हैव द प्रूफ.
हाँ कैश दिया प्रूफ बता दूंगी, वो वीडियो एडवोकेट के पास है, वो पूरा वीडियो है, आई कैन नॉट शेयर विथ एनी बॉडी. या ही सेड नो, आई कैन नॉट गो अबाउट द लॉ. आई वुड ओनली से आई ट्रस्ट द लॉ. आई केम हियर बिकॉज आई ट्रस्ट दिस लॉ. आई ट्रस्ट आवर पुलिस. वॉट हैज हैपेंड टू मी, इट शुड नॉट रिपीट. इट इज एज सिंपल एज दैट. बिकॉज आई कैन नॉट टेक इट यार, इनफ. बस हो गया, कितना खींचोगे नीचे, बस हो गया. बोलो ना, एक कैब ड्राइवर, एक सेलिब्रिटी को इतना बदनाम करने का वजह क्या रहता है? 2 मिनट्स फेम सर, आपको भी तो मालूम है, आपको सब लोग को तो पता है. इज लुकिंग पूरे ठिकाने में आपको तकलीफ दे रहे हैं और वो वीडियो के कारण क्या तकलीफ है? मना किया सर एडवोकेट ने, मना किया एडवोकेट ने. क्या बोलते हैं? नो, इट्स फॉर द प्रूफ थिंगी एंड आई एम नॉट सपोज टू शेयर. इवन ये प्रूफ भी नहीं शेयर करने बोला था, ओनली बिकॉज यू गाइज इंसिस्ट. तो मेरे को उसने बोला हाँ उमेश जी आप ना थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हो, नथिंग मोर देन दैट बिकॉज इट्स ऑलरेडी गिवन टू द लॉ. हाँ सर, क्योंकि ऐसे 10 जन मिलते हैं ना इंडस्ट्री में, 10 जन आते चीट करके जाते हैं ना सर, सब पे कंप्लेंट करूँ मैं अपनी इज्जत का नहीं सोचूँ सर. सोचो ना आप, मैं नहीं सोचना. यानी आप लोग ये बोल रहे हो जैसी हुआ तब भी कंप्लेंट करो, न्यूज़ में आओ, ऐसा सीन है सर? मैं कंप्लेंट करूँगी, न्यूज़ आएगा कि नहीं? मैं कंप्लेंट करूंगी, मीडिया आएंगी, हाँ या ना बोलो सर, है ना सर? नहीं सर, बात क्या होता है ना, कभी कोई कोई चीज़ को ना लेट गो करना रहता है. बात ये रहती है, हर चीज़ को पकड़ के रखने में ना मज़ा नहीं है सर लाइफ का. कभी कभी ना ऐसे लोग आते और जाते, मैंने बस वही सोचा था क्या एक मिला है, इसका बाद में मंगता नहीं है भाई, ब्लॉक करो. मुझे थोड़ी मालूम 2 मिनट के फेम के लिए वो ऐसा तमाशा करेगा. लास्ट में सर वही जाने वाला है, हाँ लास्ट में वही जाने वाला है सर. बिकॉज आई नो आई एम राइट, आई विल नॉट डू दैट टू एनी बडी. आई नो माई कैरेक्टर, आई नो माई सेल्फ. क्यों नहीं दिया? वही तो मैं पूछ रही हूँ, मीडिया में क्यों आया? वही सबसे तो क्यों नहीं पुलिस कंप्लेंट किया? इफ आई चीटेड हिम, वाई डिड ही कम टू यू गाइज? वाई नॉट यर? आई केम यर ना, डिड आई कम टू यू गाइज? सच्ची बोलो. नहीं ना, आई केम डायरेक्टली. नहीं भाई, मैंने प्रोफेशनलिज्म से काम करती हूँ भाई. जो पैसा है वो देने का, बस बस उसको. अरे रे रे बेचारा कितना गरीब ना, अरे रे रे मैं खराब, मैं गलत, मेरा कैरेक्टर नहीं है, हाँ मैं एकदम चीप नीचे गिर चुकी हूँ. वही तो पूछ रही हूँ, वो सही तो मैं गलत? क्योंकि वो कैब ड्राइवर है, वो गरीब है तो वो सही? ये सीन है. अगर ये सीन है तो बोल दो हाँ ये सीन है. आपके बीच में, दोनों के बीच में जो हुआ ना, अब तो नहीं है ना. तो मैं बोल रही ना, आपको किसको यकीन करना चाहिए? आपको पता इतना नहीं समझ में आता किसका कैलिबर किधर है? एक कैब ड्राइवर और एक आर्टिस्ट, और मेरी जैसी आर्टिस्ट करेंगी? करेंगी सर, आप खुद बोलो करेंगी? मैं नहीं सर, क्या है ना उसको जेन्युइन प्रॉब्लम रहता ना इधर आता, जैसा मैं आ जाइए टुडे आई केम हियर ना, बिकॉज इट वॉज टू मच फॉर मी टू टेक. इट हैज गॉन, इट हैज बिकमिंग नेशनल न्यूज एंड आई एम नॉट, आई कैन नॉट टेक इट. यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज टुमारो इफ आई वॉन्ट टू डू समथिंग, इफ यू हैव आस्क्ड मी ना, प्यार से पूछता ना मेरे को कि मैम मेरे को एक्स्ट्रा 5,000 दो ना, आई स्वेयर ऑन माई सेल्फ आई वुड हैव गिवन. ये क्या कर रहा है मालूम है? पैसा लेकर भी मुझे और वो चीट कर रहा है. इट्स एन एक्सटॉर्शन व्हाट इज डूइंग, इट्स रॉन्ग. So that is where I had to take a step because 2 days it was blowing up in the media. वो मानता मैं थी, कमा रही हूँ अभी भी है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ. इसके लिए तो मैं बोल रही हूँ कि मैं इधर हूँ, 12 साल से हूँ तुम लोग के सामने. एंड आई विल से इट, आई ग्रू अप विथ यू गाइज. आई विल नॉट से आई ग्रू अप एज एन आर्टिस्ट बिकॉज आई नेवर बिहेव्ड माई सेल्फ लाइक वन. रिमेंबर आई कम फ्रॉम डाउन, आई डोंट कम फ्रॉम अप. सो फॉर मी एक ही क्वेश्चन कभी भी रहेगा मेरे जैसी आर्टिस्ट के लिए, यार मैं तुम लोग के सामने मैं आगे आई हूँ, तुम लोग के सामने मैंने सब अचीव किया है, तुम लोग मुझे नहीं समझ रहे हो? मैं नहीं पूछ सकती इंसानियत के नाते, इंसानियत के नाते यानी ऑन अ ह्यूमैनिटी लेवल आई कैन नॉट डू दैट. दैट्स व्हाट इट इज. मुमाइद खान कैसा बना है आप लोग से ना, करेक्ट? ये जितना है उससे ना, वो कैब ड्राइवर फैन है उससे ही ना. मैंने गलती मेरी थी, 20,000 मांगा था ना, मैंने 22,000 बोली, फिर वो 22 देती हूँ. क्यों? क्योंकि ऑनलाइन मुझे मिल रहा था.
दिया, मैंने ये दिया है सैम, ऑनलाइन मुझे मिल रहा था, उसने 20 मांगा ना, मेरा दिल मेरी ह्यूमैनिटी, अल्लाह रे अच्छा सच्चा इंसान है यार, 20,000 मांगा, जावेद उसको बोल मैडम है ना 22,000 देंगी, पर कोई टेप वेप ये वो ये सब नहीं मांगता, एंड इट शुड बी एवरीथिंग इंक्लूडेड, स्टे अकोमोडेशन एवरी डैम थिंग एक्सेप्ट टोल टिकट, टोल टिकट ही हैज इट बिकॉज ही वॉज ऑन द ड्राइविंग सीट, विंडो इधर रहता है लेने देने का, दैट्स हाउ ही हैज माई टोल टिकट विच आई पेड 160 rupees फ्रॉम गोवा टिल हैदराबाद. माई सिस्टर बर्थडे, माई ओल्डर सिस्टर जबाइन, यू हैव सीन मी इन द सॉन्ग विथ हर, हर बर्थडे इज 17 September, दैट्स वाई आई टुक द कैब. और दूसरा कैब में जाने का रीजन मेरा डॉगी था, एयर इंडिया ही एक फ्लाइट अलाउ करती है डॉग्स को सीट पे, वो भी बाकी दूसरी कोई फ्लाइट नहीं करती है, वरना आपको लगता है इतना कमाने वाली जाएगी कैब में, मेरे डॉगी के लिए, मेरा पेट के लिए, क्योंकि इट वॉज 14 hours जर्नी एंड आई कैन नॉट लीव हर अलोन. तो और एयर इंडिया अवेलेबल नहीं है, 11 घंटा 8 घंटा कौन ट्रैवल करता, मैं ना करूँ इससे अच्छा मैं 14 घंटा है. और लाइफ में पहली बार गई हाँ ट्रिप, फर्स्ट, एंड दिस गाय रूंड माई एक्सपीरियंस, रूंड इट, लाइक लिटरली ही रूंड इट, नॉट माई एक्सपीरियंस, बट ही इज गोना प्रूव रॉन्ग, विच आप लोग के सामने तो कन्फर्म आना चाहिए, बिकॉज मैं इतना गारंटी दूंगी मैं गलत नहीं हूँ, मेरे पास सब चीज़ रेडी है विद द प्रूफ, इतना बोल सकती हूँ मैं. कुछ बोलना है बोल दो, चिल्ला दो, मेरा भरोसा तुम लोग पे, मेरे लिए मेरा भरोसा तुम लोगों, क्योंकि मैं तुम लोग पे भरोसा करती हूँ. क्या तुम लोग मेरे को नहीं समझे, मेरे को नहीं समझे, इंसान इंसानियत के नाते कोई सोचता है कि नहीं सोचता, बोलो. हाँ इसके लिए तो बोल रही हूँ मैं, करके तो मैं बोल रही हूँ. डन, अभी और कुछ पूछना है पक्का? आप केस करना चाह रहे हैं, तो केस निकलना चाह रहे हैं उसके ऊपर, आपको क्या चाहिए? मेरे को क्या है? बोलो ना, मैं वो बोलती, आपको क्या चाहिए? आप बोलो आपको. हाँ मुझे देखो नहीं पता, आई एम टेकिंग एडवाइस फ्रॉम माई लॉयर, एडवोकेट है मेरे रामचंद्र जी, ही इज़ देयर विथ मी एंड ही इज़ टेकिंग ऑल द डिसीजन. ये आज भी ये करने का यही सीन था, क्योंकि दो दिन से जो हो रहा था ना, आई कुडंट टेक इट एंड इट वॉज गोइंग आउट ऑफ प्रपोर्शन. सो या आई जस्ट वॉन्ट टू से प्लीज़ यू गाइज एटलीस्ट ट्रस्ट मी. आई नो, मुझे पता है कि कभी भी गरीब का हेल्प करना चाहिए, पर यार सोच समझ के तो गरीब का हेल्प करो, सामने वाला कौन है वो तो देखो, एटलीस्ट थोड़ा वो देख लो, एंड आफ्टर दैट डू व्हाटएवर. एंड लाइक आई सेड इट, आई बिलीव इन माय लॉ एंड आई नो आई विल गेट द जस्टिस, आई नो दैट. ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग एंड सॉरी अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो, तो क्या है ना सिचुएशन ऐसी होनी नहीं चाहिए थी मेरे साथ, पर हो गई है. पर दिल से बोल रही हूँ आप लोग को, एक ही चाहिए एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, अंडरस्टैंडिंग. हाँ उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं मांगता आप लोगों से, अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स मी. ठीक है, थैंक यू.